कानपुर की बदहाल सड़कों पर कांग्रेसियों ने भरे गड्ढे। बरसात के बाद कानपुर के अधिकतर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे साफ नजर आते हैं और इन सड़कों पर हिचकोले खाते हुए निकलने पर मजबूर हैं। यह कोई एक सड़क का हाल नहीं है, शहर की वीआईपी मार्ग भी गड्ढों में तब्दील हो गया है और अब इन्हीं सड़क के गड्ढों को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। आज कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मिलकर शहर के विजय नगर से लेकर मसवानपुर तक की बदहाल सड़कों के गड्ढों को भरने का काम किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यूपी की योगी सरकार और उनके नेता सो रहे हैं और जनता इन सड़कों पर झूला झूल रही है और जनता को राहत दिलाने के लिए आज हम कांग्रेसियों ने हाथों में फावड़ा और तसलों को उठाकर इन सड़कों को गड्ढे भर रहे हैं। देखिए, भाजपा ने वादे तो बहुत से किए थे लेकिन कोई भी वादा निभाया नहीं और विकास का मुद्दा उनका बहुत बड़ा मुद्दा था लेकिन सारा ही जो विकास होना था उसका पैसा प्रचार प्रसार में ही इस्तेमाल हो गया। आज आप खुद देखिए, नमक फैक्ट्री चौराहे पे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ की गड्ढों की बदहाली देखिए, सड़कों की बदहाली देखिए, सड़क कम गड्ढे ज़्यादा हैं, घुटने तक हम लोगों के पैर पर पानी भरा हुआ है। आम आदमी यहाँ से ज़्यादा है, क्षेत्र की जनता जाती है, चाहे साइकिल से लोग जा रहे हों, बाइक से लोग जा रहे हों, गाड़ियों से लोग जा रहे हैं और पैदल जो लोग चल रहे हैं। आज सबसे गरीब वर्ग ठेले से जो लोग सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, वो सभी लोगों के ठेले यहाँ पलट जाते हैं, गरीब आदमी परेशान होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भाजपा सरकार, इनके पूर्व विधायक, इनके सांसद, इनकी सत्ता कुछ नहीं कर पाई है, सिर्फ जुमलेबाजी की है। इसीलिए मैंने और हमारे सभी क्षेत्रवासियों ने ये सोचा कि इस सड़क को बनवाने का, गड्ढा भरने का काम स्वयं हम लोग को करना पड़ेगा क्योंकि भाजपा सरकार झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं करेगी। बीजेपी का काम कांग्रेस कर रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी का काम नहीं, हम जनता की सेवा का काम कर रहे हैं। बीजेपी का जो पैसा था, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान में लगाना हो, चाहे वो विकास में लगाना हो, चाहे सड़कों में लगाना हो, रोजगार में लगाना हो, हर चीज सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल की गई, पूरा मैनेजमेंट किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को मिल रहे हैं तो ये गड्ढे और धोखा। करिश्मा जी, गड्ढे तो है ही है, गंदगी भी बहुत है इस एरिया में, बहुत ज्यादा गंदगी है। जो कूड़े का निस्तारण होना चाहिए वो समय पे हो नहीं रहा है, ट्रांसफर स्टेशन बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है सरकार जिस तरीके से वादे कर रही है, क्या लगता है जनता को धोखा दिया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, जनता को धोखा दिया जा रहा है और जनता को ये मालूम पड़ गया है कि उसके साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान की बात करने वाली ये भाजपा सरकार, इसको मैं बताना चाहती हूँ कि कानपुर शहर आज हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। आज आप शास्त्री नगर जाइए, विजयनगर जाइए, पनकी जाइए, मसवानपुर जाइए, हर जगह कूड़े का ढेर भरा हुआ है, कुछ भी काम नहीं किया गया, चाहे यहाँ की महापौर हो, चाहे वहाँ के लोकल पार्षद हो, विधायक हो या दो दो सांसद हो, किसी ने कुछ काम नहीं किया। खुद योगी जी जिस सेंट्रल पार्क में आए थे, आज उस सेंट्रल पार्क की गंदगी की वजह से बदहाली देखिए, वहाँ पर रामलीला नहीं हो पा रही है, राम के नाम पर वोट मांगते हैं और उसी रामलीला को रोक दिया गया है, लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवर घूम रहे हैं, सुअर घूम रहे हैं, हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है ये सारा काम तभी होगा जब जनता परिवर्तन करेगी और कांग्रेस को मौका देगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।